दोस्तों जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से जो बेस्ट 30 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे थे वो उसका ये फाइव जो वीडियो नंबर फाइव है वो होने जा रहा है, ठीक है। और जो हमने ऑलरेडी 1, 2, 3 और 4 कर रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने बेस्ट जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करके कराया है, ये भी उसी का एक पार्ट है। इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए तो ज्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 400 रुपए है। एक जो घड़ी है उसका अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपए है, ठीक है। अब उस 400 रुपए पे 25% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ कटौती, मतलब वही डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो देने के बाद क्या देख रहा है कि वो जो दुकानदार है या जो भी इंसान है जो कि उस घड़ी को बेच रहा है जिसका मूल्य 400 रुपए है, उस पे उसको 20 रुपए का हानि हो जा रहा है। तो आपसे सिंपल सा सवाल है कि वो जो हानि हो रहा है वो प्रतिशत में कितना हो रहा है। सिंपल है, देखिये आप समझिए, यहाँ पे उसका मूल्य कितना रुपये बताया है, 400 रुपए ना। देखिए अंकित मूल्य क्या बताया है, मतलब मार्केट प्राइस क्या बताया है, 400 रुपए, समझ में आया, 400 रुपए। अब देखिए इस पे क्या हो रहा है, 25% का डिस्काउंट आ रहा है। देखिए जब 25% का डिस्काउंट आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, 25% कम होके आ रहा है। जब कम होके आ रहा है तो इसका जब होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, होल वैल्यू निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा, देखिए 25% है इसको लिखेंगे हम 1/4 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हाँ जरूर लिख सकते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि ये जो है घट के आएगा, क्यों, क्योंकि कटौती हो रहा है, मतलब कम रहा है, जब कम रहा है तो घटाएंगे, बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, 4 से इसको घटाएं कितना आया, 3/4, ये आपका होल वैल्यू आ गया। अब देखिए जो 400 रुपए था 400 रुपए पे ही ना ये डिस्काउंट देके बेचा, तो उसके कितना पे बेचा, देखिए तो आपका एसपी क्या आ जाएगा, 400 से गुना कर दीजिए आपको, आप 3/4 से, ठीक है, तो ये कटेगा 100 बार में आपका आ जाएगा 300 रुपए। देखिए अब क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पॉइंट है उस पॉइंट को समझिए। जब वो 400 रुपए मार्केट प्राइस था, इस पे जब 25% का डिस्काउंट दे रहा था तो कितना पे बेचा, वो 300 रुपए, कैसे आया 300 रुपए, मैंने यहाँ पर दिखाया, आप सिंपल ही 25% का जो होल वैल्यू है वो निकालिए और जो मार्केट प्राइस में, उस मार्केट प्राइस है उसमें गुना कर दीजिए, आपका एसपी आ जाएगा जितना में वो बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब वो जो 25% का डिस्काउंट दे रहा है ना तो 20 रुपए का हानि हो जा रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस हो रहा होगा वो 300 रुपए, ये तो बेच रहा है, प्लस 20 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हानि हो रहा है, जो 20 रुपए हानि हो रहा है प्लस 20 रुपए चलो जोड़ कर ही आएगा, तो हाँ जरूर जोड़ के आएगा, क्योंकि 300 रुपए में बेचा और 20 रुपए का हानि हुआ, मतलब था क्या दाम, 320 रुपए। आपका आधा से ज्यादा आंसर आ ही चुका है, मतलब आधा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस है और आपके पास और एक चीज पता है, वो क्या है कि उसका लॉस पता है रुपए में। देखिए लॉस बोला है ना, कितना रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है लॉस। जब उसका 20 रुपए का हो रहा है, क्रय मूल्य आपके वो पता है 320 रुपए, तो लॉस प्रतिशत आपसे पूछा है, तो सिंपली क्या करेंगे, मैं इधर कराता हूं, देखिए ये लॉस को हमेशा ऊपर लिखेंगे, किस पे, क्रय मूल्य पे लॉस होगा, जो क्रय मूल्य है उसको नीचे लिखेंगे। देखिए लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपए। अब देखिए ये लॉस है 320 रुपए पे, 20 रुपए चूंकि ये प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या गुना, 100 से गुना करेंगे, आई होप आपको सब दिख रहा होगा, इधर देखिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है, करे तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए ना, सिंपली 0 0 कैंसिल, 2 से कटेगा ये 16 बार में, ठीक है, फिर 4 से कटेगा ये कितना, 4 6 16, 4 से कटेगा 25 बार में, फिर 4 से काटे 4 6 24, ठीक है, बचा एक, मतलब यहां मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं, 6.1/4 प्रतिशत का एक्चुअल में उसका हानि हो रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है वो क्या बोला है कि कोई एक पेन है, ठीक है, जिसका जो मूल्य है वो है 12 रुपए, ठीक है, उसपे 2 डिस्काउंट दिया गया, पहला जो डिस्काउंट दिया गया वो है 12% का और जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया वो गिवेन
नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दो डिस्काउंट 15% और एक जो अननोन डिस्काउंट है वो डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य 8.16 रुपए ही रह जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा ये है कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया था वो कितने रुपए का था। तो देखिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आप चाहे तो खुद से ट्राई भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको जो होल वैल्यू है वो कॉन्सेप्ट लगा के दिखा दूं कैसे कर सकते हैं आप। देखिए तो चूंकि 12 रुपए था, है ना, 12 रुपए था उसका मूल्य। अब देखिए इस पे क्या हुआ, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। देखिए तो 12 रुपए था, अब इस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या 15% का डिस्काउंट दे रहा है, उसको हम जो होल वैल्यू है उस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 15% का जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को होल वैल्यू में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, लिखेंगे 15% मतलब 15/100 कट के आ जाएगा, ये कटेगा आपका 5 से 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, मतलब 3/20 आ गया। चूंकि डिस्काउंट है यानी कमी है, तो जब भी कमी होगा मैंने बताया था घटा के लिखेंगे, तो 20 से 3 घटेगा 17 और बट्टा में ये 20 रह जाएगा। ठीक है, अब ये तो 17/20 है, ये आपका बन गया होल वैल्यू। होल वैल्यू से आप 12 में गुना कर दीजिए तो 17/20, तो जब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 10 बार में, 17 6 यहाँ पर हो जाएगा 102 और 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10.2। ये आपका आंसर आ जाए, आंसर नहीं सॉरी, ये आंसर नहीं आएगा 15% डिस्काउंट देने के बाद उस पेन का जो मूल्य रहेगा वो है। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ क्या बोला है, बोला है कि और एक डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट कितना है वही तो आपको निकालना है। देखिए जो दूसरा डिस्काउंट है वो पता नहीं है आपको, तो उसको आप 1% का मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 1% का डिस्काउंट है इसलिए हम उसको लिखेंगे 100 - x, ठीक है, बट्टा में 100। मैं इसको मिटा देता हूं इन सभी को, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए ये जो दूसरा डिस्काउंट है, पहले डिस्काउंट देने के बाद 10.2 रह गया था, 10.2 रह गया था ना, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट के बाद जो होगा वो एक्चुअल में मूल्य निकलेगा, तो एक्चुअल जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो तो आपको बता दिया ना, वो क्या बताया है, 8.16 रुपए। ये भी आपका वही एक्चुअल प्राइस है, ये भी आपका एक्चुअल प्राइस है, तो दोनों तो आपस में बराबर है, तो बस हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हम पॉइंट हटाने के लिए 100 दे देते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए हम दे देते 10। देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले हम ऊपर वाला गुना कर लेते हैं। अच्छा ये पॉइंट तो हट गया ना, तो गुना कर लेंगे कितना आएगा, 102 - 100x = ये पॉइंट हट गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 8160। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये रहेगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, देखिए ये जो है ये जो विद वेरिएबल है, ये जो नंबर है ये वेरिएबल के साथ है और ये विदाउट वेरिएबल है, जो विदाउट वेरिएबल है दोनों को एक साथ लिख लीजिए आप। मैं यहाँ पे लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये 102 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8160 और ये -102x है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 102x। ठीक है, आगे आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर देखिए आपको ये रहा, ये 102 उसके बाद माइनस 8160 = 102x। ठीक है, अब आप इसको घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, घटाइए 0 से 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 से 6 गया तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 1, यहाँ 1 से 1 कटेगा तो 0। ठीक है, वहां पर फिर आपके पास बचा कितना, 10 से 8 गया तो 2, बराबर कितना हो गया 102x। तो अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू से तो क्या हो जाएगा 2040/102। आप इसको जैसे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में। ठीक है, ये आपका कट जाएगा 20 बार में, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 20। कितना क्या पूछा था आपके, जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितने का था, तो वो 20% का डिस्काउंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप क्या कीजिए, फिर से अगर बैक जाइए, अच्छे से समझिए, फिर भी नहीं समझ में आया ना मेरे को कॉमेंट कीजिए, मैं इसको और अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को बेसिकली समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कितना होने वाला है, 23 है, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा, वो बोल रहा है कि किसी व्यापारी ने अपने तीन चौथाई मतलब 3/4, तो 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को, ठीक है, शेष को कड़े मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब जितने पे खड़ा था उतने पे ही वो बेच दिया, ठीक है, तो इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का क्या लाभ हुआ। देखिए आसान है, आप चाहे तो ओरली भी बना सकते हैं, चलिए मैं सिखाता हूं कैसे। बोल रहे कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को, ठीक है, कितना 20% लाभ पे, 3/4 मतलब क्या, मान लेते उसके पास ना कोई सामान है, पेन ही मान लेते ना, कोई एक पेन है, ये पेन है उसके पास, टोटल कितना पेन है, 100 पेन है, ठीक है, माल नहीं बोलते हैं, पेन बोलते हैं। देखिए तो मान लेते उसके पास टोटल कितना है, 100 पेन है, ठीक है। अब 100 पेन में से क्या कर रहा है, इसका जो 3/4 है, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 75। इसका जो 3/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। इसका 3/4 कितना, 4 से काट दिया, यहाँ पे कितना है, 25 बार में 25 दिया 75, मतलब 75 पेन। ये जो 75 पेन है उसको कितना प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है, तो बोला है इसको 20% लाभ पे बेच रहा है। देखिए तो जब 75 पेन को 20% लाभ पे बेच रहा है, मतलब कितना रुपए में बेच रहा है, निकालिए आप, 20% लाभ में बेच रहे मतलब कितना में बेच रहा है वो। तो बस फिर से वही क्या करेंगे, जो आपका होल वैल्यू है उसको लगाइए, 20% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 20/100, आप लिखेंगे इसको 20/100, तो 20 से कटेगा, ये कितना 5 बार है, मतलब आ गया 1/5, तो चूंकि लाभ है मतलब बढ़ के आएगा, तो ये जुड़ेगा 5 और 6/5, तो आप ये जो होल वैल्यू है इस होल वैल्यू से इस 75 में गुना कर लीजिए 75 में 6/5। और एक चीज दोस्तों, देखिए आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो नंबर है, एक नंबर एक क्वांटिटी है, अमाउंट तो नहीं है ना, तो आप क्या समझिए कि एक जो पेन है ना, एक पेन, हर एक पेन का दाम 1 ही रुपए है, मान के चलिए आप थोड़ी देर के लिए कि एक पेन जो है, एक पेन का दाम 1 ही रुपए है, ठीक है, आप इसको क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी मत समझिए, ठीक है, एज अ इसको जो अमाउंट है वो समझिए कि 75 रुपए है, क्योंकि एक पेन का दाम जब 1 रुपए है, क्रय मूल्य है, ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य अगर 1 रुपए है तो 75 रुपए होगा, तो आप 75 रुपए मत समझिए इसको, ठीक है। तो अब हम ये क्रय मूल्य है 75 पेन का 75 रुपए हुआ, तो ये क्रय मूल्य में हम अगर क्या करेंगे, जो होल वैल्यू है उससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा, मतलब जितना में वो बेचा था, कर लीजिए, ये 5 से कटे कितने बार में, 15 बार में, 15 × 90 रुपए। चलिए पहला जब 75 पेन बेचा वो, तो वो 90 रुपए में बेच दिया, अब उसके पास बचा कितना पेन, इधर देखते हैं, चूंकि 100 पेन था उसके पास, 100 में से 75 तो बेच चुका, मतलब बचा कितना पेन उसके पास, उसके पास 25 पेन बचा, ठीक है, 100 पेन से अगर 75 पेन बेच दिया तो बचा कितना, 25 पेन तो बेच चुका था 25 पेन, तो अब जो 25 पेन है इसको क्या करता है, वो इसको जो क्रय मूल्य है उसी पे बेच दे रहा है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1 पेन का 1 रुपए, 25 पेन का 25 रुपए, मतलब वो 25 रुपए में ही बेच रहा है, तो टोटल एसपी मतलब टोटल बिक्री मूल्य कितना आया, पहले 90 रुपए बेचा, 90 रुपए में बेचा था, है ना, 90 रुपए में बेचा था, फिर इसके बाद और 25 रुपए, तो कितना हो गया, जोड़ दीजिए 5 और 9 और 2 11, ठीक है, तो देखिए कितना हुआ, 115 रुपए टोटल एसपी, मतलब 100 पेन खरीदा वो 100 रुपए में, और उसी 100 पेन को बेचा है टोटल कितना, 115 रुपए में। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ उसको जो लाभ हुआ कितने प्रतिशत का हुआ, 15 पेन का हुआ लाभ, 15 पेन का हुआ ना, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, मतलब 100 पेन के ऊपर, तो प्रतिशत में बदलने का क्या मतलब, आपको ऐसे पता चल रहा है कि अरे वो 100 पेन पे बेचा 15 का फायदा करके, तो कितना प्रतिशत का फायदा हो गया, 15%, सिंपल। चलिए आई होप समझ में आया होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लगाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, वो देखिए क्या बोला है, आसान से क्वेश्चन है, सिंपल बोला है कि कोई एक दुकानदार है, वो जो है वो त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से क्या कर रहा है कि वस्तु को खरीदते समय 10% का, फिर बेचते समय और 10% का क्या कर रहा है, वो
घोटाला कर रहा है, घोटाला बाबू ही है, ठीक है, घोटाला करता है। तो बोला क्या है कि बेसिकली बोला है कि मतलब कोई दुकानदार है जो खरीदते समय 10% का, फिर बेचते समय और 10% का घोटाला बाबू घोटाला करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि तो उसका जो लाभ है कि वो प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत का वो फायदा कर रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन का करने का जो सबसे आसान तरीका है, मैंने वो ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, आप चाहे तो जो मेरा प्रीवियस वीडियोस है उस जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड उसमें मैंने करवाया है, आप चाहे तो उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखिए सिंपल सा, जब भी कोई चीज कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत का घटना दो बार या दो से ज्यादा बार घटे ना, तो आप सिंपल सा एक ही फॉर्मूला यूज कीजिए जिसका नाम है इफेक्टिव प्रतिशत का, इफेक्टिव परसेंटेज का। चलिए मैं बता रहा हूं इफेक्टिव परसेंटेज होता क्या है। देखिए वो है ए, ये प्लस माइनस हो सकता है, मतलब घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, ठीक है। फिर प्लस माइनस यहां पर भी होगा, घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस, बी, ठीक है, यहां पर भी लिखिए आप क्या, प्लस माइनस, घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस, बट्टा में यहां पर लिख लीजिए ए इंटू बी, ठीक है, और यहां पर लिख लीजिए 100। देखिए अब करते हैं, चूंकि पहले 10% का फायदा कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, फायदे में है वो, तो प्लस में 100। फिर क्या कर रहा है, और 10% का फायदा कर रहा है, तो फिर प्लस में 10% का फायदा कर रहा है। पहले वो 10% का फायदा किया प्लस में, फिर 10% का फायदा ही किया तो फिर प्लस में, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ए क्या है 10 गुना, यहां पर बी क्या है 10, बट्टा में आप यहां पर लिख लीजिए 100। आप इसको क्या काटना, काट दीजिए आप सिंपल सा, यहां पर कितना हो गया, एक रह गया 10 और 10 20 और 1 21, मतलब 21% का वो फायदा किया टोटल उसका जो ट्रांजेक्शन था खरीदने से लेके बेचने तक, ठीक है। चलिए आप समझ में आया होगा ये, उसके बाद जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या बोला है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, वो देखिए क्या बोला है। वो बोला है कि 100 वस्तुओं का जो, अच्छा बोले कि जो 100 वस्तु है, ठीक है, उसमें से जो आधा वस्तु है उसको क्या किया जा रहा है, उसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, और जो बाकी का जो आधा है उसको 40% लाभ में बेचा जा रहा है। अगर टोटल वस्तु को, जो 100 वस्तु है या कोई सामान है, उसको अगर एक साथ 25% प्रॉफिट में बेचा जाता, तो जो पहले से जो प्रॉफिट है उससे 100 रुपए का कम आता। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए दोस्तों सिंपल है, देखिए ये क्वेश्चन आपको भले ही पेचीदा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए इधर, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। देखिए चूंकि बोला था कि कितना वस्तु है, 100 वस्तु है, देखिए अब क्या करना है, इसके लिए जो 100 वस्तु है ना, मान लेते हैं कि हर एक का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 1 रुपए का है, तो 100 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, 100 रुपए ही हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य 1 रुपया, 100 वस्तु का 100 रुपए। अब देखिए इसका जो आधा है, आधा मतलब कितना, 50 वस्तु, अच्छा वो जो वस्तु नहीं, कुछ भी एक सामान मान लीजिए, अब कुछ भी मान लीजिए, सेलफोन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, पेन मान लीजिए, कुछ भी। तो ये जो 100 वस्तु है इसका आधा मतलब कितना, 50। इस 50 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अरे 50 रुपए हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखिए ये जो 50 वस्तु है ना, इस 50 वस्तु को क्या किया जा रहा है, 20% फायदे पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, इस 50 वस्तु जो है इसका एसपी क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो एसपी हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, सिंपल फिर से वही 20% का फायदा हो रहा है ना, तो 20 इंटू 20% का जो आपका जो होल वैल्यू है उसको लिखेंगे, 20 का कितना हो जाएगा, 20/100, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, चूंकि फायदा हो रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे 5 और 1 6 6/5 लिखिए, यहाँ पे 6/5, 5 से काटेंगे ये 10, मतलब ये कितना हो गया, 60 रुपए। तो वो 50 वस्तु को कितना पे बेच रहा है, 60 रुपए पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि बाकी का जो 50 वस्तु है, ठीक है, आधा तो बेच चुका वो, अभी आधा बचा है ना, मतलब 50 वस्तु बचा है,
उस 50 वस्तु को क्या किया जा रहा है, वो सिंपल ही उस 50 वस्तु को वो 40% लाभ में बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए जब 40% लाभ में बेच रहा है मतलब क्या, 50 × 40 का अगर हम जो होल वैल्यू है वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप निकाल लीजिए कहीं इधर ही निकाल लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 40/100 काटेंगे, 4 से कटेगा ये, अच्छा ये 2 से कटेगा, 2×4 2×5 2/5, चूंकि फायदा हो रहा है तो जोड़ के देखेंगे 5 × 2 = 7, 7/5 ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, अच्छा अब गुणा कर लीजिए 7/5, 5 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में, 50 10 बार में कटेगा, गुणा कीजिए 70। अब देखिए जो 100 वस्तु था टोटल को जब एक बार आधा को टोटल से जो आधा को जब बेचा तो 60 रुपए में पहले बेचा और बाकी का जो आधा है उसको 70 रुपए में बेचा, मतलब टोटल कितना का कितना में बेचा वो, तो देखिए 60 और +70 दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका, तो हो गया 130 रुपए का। ठीक है, आप इसको बाद में इसको प्रतिशत ही मान करके थोड़ी देख ले, वैसे रुपए भी बोल सकते हैं, अगर 1 रुपए माने तो ये 130 ही होगा रुपए। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है कि ये जो 100 वस्तु है इसको 2 बार में नहीं बेचेगा, वो एक ही बार में बेचेगा और 25% फायदा में बेचेगा। तो देखिए क्या होता है, अब मैं इधर लिखता हूं, ठीक है मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए अब जो है 100 वस्तु को ही, मतलब 100 वस्तु एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए माने थे तो 100 का 100 रुपए, अब इसको एक ही बार 25% फायदा में बेच रहे हैं, मतलब 25 का होल वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, सॉरी आपको फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/4, जब हम उसको होल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो हो जाएगा 5/4, अब 4 से काटेंगे इसको 25 बार में और 25 × 5 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो देखिए जब दोनों इसको थोड़ा देखिए प्रतिशत में मान के रखते हैं, देखिए इसको जब प्रतिशत में मानेंगे तो क्या फायदा होता है देखिए आप, अच्छा जब दोनों को आधा आधा करके बेच रहा है तो 130% का फायदा हो रहा है और जब एक साथ बेच रहा है तो 125% का फायदा हो रहा है ना 125% का। अब देखिए अब एक चीज आपको क्या यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि अगर वो पहले मतलब पहले जितना में बेच रहा था, ठीक है, उसके बाद एक साथ जब बेच रहा है दोनों का अंतर कितना रुपए का आ जा रहा है 100 रुपए का, तो देखिए पहले का 130 बाद का 125 मतलब 5% अंतर ही है ना, ये भी अंतर है 5% का अंतर है, मैं इसको यहां पर टेबल लिख देता हूं, ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं इसको यहां पर लिखता हूं, तो 5% का अंतर आ रहा है और ये 5% किसके बराबर आ रहा है, और एक अंतर है रुपए में 100 रुपए, बोला है ना 100 रुपए का अंतर आ रहा है, पहले जितना बेच रहा था और बाद में जितना बेच रहा था दोनों का अंतर 100 रुपए का आ जा रहा है, तो 5% जब है कितना के बराबर 100 के बराबर, तो निकाल लीजिए 100% कितने के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर हो गया 40/5 से काटिए 5×10 मतलब आपका आ गया 2000 रुपए। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा कि जो उसका करंट मूल्य था हर एक वस्तु का वो कितना था 2000 रुपए। आपका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है 2000 रुपए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, भले ही बहुत बार लेंदी लग रहा होगा, पेचीदा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।